apocalypse. जी तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आज आप सभी का फिर से हमारे एक नए ब्लॉग पे स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे ही आपने हमारे नीचे टाइटल पढ़ लिया हो कि आज की जो हमारी वीडियो है वो किस चीज़ पे बनने वाली है, जो आज हमारी जो बेला है, सबसे पहले तो दोस्तों मेरे को पता है कि आप सारे सोचते होंगे कि भाई इतने दिन हो गए ना ये ब्लॉग है क्यों नहीं यार। दोस्तों मेरे को मान लो मैं 3-4 दिन हो गए मैं कहीं बाहर आ रखा था, मैं वहाँ पर ही हूँ। मैं दोस्तों 3-4 दिनों से मेरे नाना जी के घर पर आ रखा था, तो मैं यहाँ पर ही हूँ लादड़ी गाँव में। तो आप देख सकते हैं पीछे हमारे खेत, मेरे पीछे आप देख सकते हैं पीछे हमारे नाना जी के उधर काम चल रहा है। मैं आपको चलिए वो भी दिखाऊंगा कि एक वो हमारे बीन सी चनी है थोड़ी सी फ्रेंड्स। तो आज का दोस्तों जो हमारा ब्लॉग है वो बहुत ही मजेदार होने वाले, क्योंकि दोस्तों जो हमारी बेला है आज यहाँ पे, जैसे मैं आया मेरे को पता लगा इनके पास एक छोटा सा स्विमिंग टब्स है दोस्तों। तो मैं सोच रहा कि हम अपने जो फ्रेंड्स है, दर्शक है, उनको दिखाते हैं कि बेला को स्विमिंग करनी आती है नहीं आती। तो मैं आपको फ्रेंड्स दिखाऊंगा, और जो मेरे नाना जी हैं इनके फ्रेंड्स, इनके पास भी डॉग्स हैं वो, पर देसी हैं वो, प्योर नहीं है। मैंने तो इनको सजेस्ट करा कि आप अच्छी ब्रीड का डॉग लाओ, कोई जर्मन शेफर्ड आपकी ढाणी सी ढाणी है। इधर मैं आपको दिखाता हूँ पीछे, ये देखिए नाना जी के इधर ढाणी है फुल बड़ी, कम से कम 5-6 acres में है ढाणी। तो इधर दोस्तों एक डॉग तो चाहिए जरूर, मैंने तो कहा था पर ये मान नहीं रहे। मैं अभी इनको आगे एक इनको बिना बताए एक छोटा सा डॉगी गिफ्ट करेंगे। इन्हें मेरे मामा जी का लड़का है वो भी बहुत बड़ा, मेरे तरह ये डॉग लवर है बहुत ज़्यादा, वो उसने दोस्तों 2 दिन देसी डॉगी पाल रखे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमको एक छोटा काम करना तो हम करते हैं। तो दोस्तों हमारा वो ट्रैक्टर उधर खड़ा है, तो हम उसको पहले तो अंदर खड़ा करते हैं। दोस्तों बाहर आपको पता है इधर गाँव में बहुत चोरी होती है, गाँव में कोई चोरी ना कर जाए इसीलिए। तो मैं आपको दिखाता हूँ मेरे इधर मामा जी का काम चल रहा है, तो चलिए ये देख सकते हैं फ्रेंड्स आप काम चल रहा है। ये पहले इस जैसी थम्बी यहाँ पे भी थी, उसको भी दौड़ दिया दोस्तों, ये दौड़ के अभी यहाँ पे एक नई थम्बी बना रहे हैं, इसका वर्क चल रहा है अभी आप देख सकते हैं। तो वो ट्रैक्टर खड़ा, तो चलिए हम पहले उस ट्रैक्टर को अंदर ठाम देते हैं। दोस्तों आपको पता है इधर बहुत ज्यादा चोरी होती है, कोई चोरी कर लेगा फिर मारे जाएंगे। अगर दोस्तों चोरी होगी इधर थोड़ी सी भी चीज़ की, बहुत महंगी महंगी चीज़ खड़ी है यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये कम से कम 2-2.5 lakh rupees की आती है, ये चोरी होगी तो बहुत नुकसान होगा। यहाँ पे हमारा फोर्ट हो गया दोस्तों, ये जो हमारे वो पीछे देख सकते हैं ये गेट है, ये बंद पड़ा है, मेरे को लगा खुला है, इसको खोल देते हैं, ये दोस्तों बंद पड़ा है। तो हमारा बहुत बड़ा फोर्ट हो गया, तो हम चलिए सब गेट को खोल के आते हैं, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं व्लॉग। नहीं तो फ्रेंड्स अब हम वो उस ट्रैक्टर को अंदर करके आ गए, तो मैं दोस्तों वो थोड़े से संज वगैरह खोले थे इसलिए मैं शूट नहीं कर पाया, और हमने दोस्तों भी उनको अंदर कर दिया। तो हाँ चलिए, जो हमारा वो एक उसको वो आपको मैंने बताया वो था, उसको थोड़ा स्विमिंग पूल सा छोटा सा, वो बेला के लिए तो बहुत बड़ा है, तो मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। और उसके अंदर हवा निकाल रहे, उसकी हवा भरनी पड़ेगी पहले, तो चलिए अब हम चलते हैं। ये मेरे नाना जी का देख सकते हैं एंट्री है गेट के अंदर की, तो चलिए ये अभी पहले लाइट ऑन करते हैं। दोस्तों हमारा पोपट हो चुका है, बिजली नहीं है, चलिए अब हम आपको वो लेके चलते हैं।
हाँ जी, तो मैं जैसे आपको बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, जो हमारी बेला थी उसको मैं जैसे मेरे नाना जी के पास है तो मैं उसको मेरे साथ ही ले आया। मैं घर पे छोड़ता हूँ, घर पे मेरे को पता है उसका कोई ध्यान नहीं रखता, उसको थका देते, तो मैंने सोचा मैं उसको यहाँ पे ले आता हूँ। यहाँ पे दोस्तों वो बहुत ही अच्छे तरीके से एडजस्ट हो गया है, अब वो पता नहीं कहाँ पे छिप रखी है, तो मैं उसको भी ढूंढता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। उसको ढूंढ के पता नहीं कहाँ छुप रखी है। तो फ्रेंड्स, हमको जो हमारी बेल है वो बड़ी मुश्किल से मिली, जो हमारे एक नाना जी की पुरानी गाड़ी है वो मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा, उसके नीचे बटर की बड़ी मुश्किल से निकाल के लाए। तो मैं फ्रेंड्स आपको, मैं मेरे नाना जी के आया था, तो मेरे मामा तो दोस्तों आज बाहर है, बहुत ज़्यादा बिजी है, उनके थोड़े बिजनेस आपको पता नहीं, तो मैं आपको चलिए मेरे नानी जी से मिलाता हूँ। ये रे मैं नानी जी। नानी जी नमस्ते, कैसे हो नानी जी? ठीक। मेरे दोस्तों जो नानी जी है उनके एक बार पहले बुखार हो गया था, बड़ी मुश्किल से ठीक हो। नानी जी कैसे हो आप? ठीक हो? आपके बुखार एक कैसे आपके कोरोना हो गया था क्या? बुखार से दोस्तों बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, ऐसे मेरे हिसाब से तो घर पे रहो, एक डेल्टा प्लस बीमारी आ रही है, बहुत मुश्किल। तो नानी जी अभी आप ठीक हो? बिल्कुल, मतलब अब दोस्तों प्रे आप मेरे हिसाब से घर पे रहे, सारे बाहर ना निकले। मेरे नानी जी बड़ी मुश्किल से ठीक हुए हैं, कोरोना जैसी बीमारी हो बहुत। कोरोना आपको नानी जी कैसी बीमारी लगती है? कोरोना माड़ी बात है, खांसी आई तो करोना। लक्षण तो दोस्तों कोरोना के थे मेरे नानी जी के, पर कोरोना था नहीं, थोड़ी सी खांसी बुखार बहुत तेज था दोस्तों। कितने डिग्री एक था? दिन चढ़ा एक दिन चढ़ा दोस्तों, बहुत ज्यादा तेज, बहुत तेज। आपको नानी जी जो हमारी ये बैला है कैसी लगी? अच्छी लगी। आप रखना चाहोगे इसको? मेरा इनसे दोस्तों संभलेगी नहीं, तो ये कह रहे हैं मैं नहीं रख सकती। तो आप प्लीज, आपको मैंने बताइए आपको हमारी बैला और नानी जी कैसे लगे। तो अभी फ्रेंड्स वो आज थोड़ा सा पोपट हो जा रहा है, वो हमारे जो लाइट नहीं आ रखी वो टब नहीं भरीज रहा, तो मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ। तो चलिए मैं आपको सीधा उधर ही मिलता हूँ, टब भरते हैं उधर। अभी ये हवा तो भरी दी हमने, बड़ी मुश्किल से भरी है। तो अभी दोस्तों भी अगला जो है, अभी दोस्तों फिर से हमारा पोपट हो गया। अभी तो लाइट कैसे ना कैसे इन्वर्टर पे भरी दी, तो दोस्तों भी जैसे पता लगा कि लाइट ही नहीं है तो वो बाहर मोटर है वो कैसे चलेगी, तो फिर से दोस्तों हमारा पोपट हो गया। तो अभी कैसे ना कैसे इसको तो भरेंगे, आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा दोस्तों, इसके अंदर बैला को नहलाएंगे, देखते हैं कैसे क्या रिएक्शन रहता है बैला का। तो अभी दोस्तों लाइट आने का, अब फ्रेंड्स लाइट आने का इंतजार करते हैं, कब लाइट आती है, कब हम इसको भरते हैं। तो अभी जो आगे होता है वो हम आपको दिखाएंगे। आज तो फ्रेंड्स रात होगी वीडियो बनाते बनाते, तो हम आपको दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स अभी लाइट आने के बाद हम आपको आपसे मिलते हैं। अब तो फ्रेंड्स फाइनली लाइट आ चुकी है, जो हमारा ये टब है इसके अंदर आप देख सकते हैं हमने पाइप ला के बिछा दी, और ये देख सकते हैं सारे बल्ब ऑन है। ये मैं आपको चलिए बाहर नजारा दिखाता हूँ, रात का ये पाइप है, अब इसको हम चालू करके आएंगे। ये देखिए ढाणी का व्यू रात का। तो अब हम चलिए वो पाइप है उसको ऑन करके आते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स जो पानी है वो चल चुका है, बड़ी मुश्किल से एक दो घंटे माथा मारा तब जाके चला। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे शाम की तरह डोल रहा है, ये देख सकते हैं आप, इसको देखिए, ये देख सकते हैं आप। तो हमने फ्रेंड्स अब इसको जो ये लाइट है इसके नीचे करा है,
ताकि व्यूज अच्छा आए। तो भी फ्रेंड्स थोड़ी देर और लगेगी, इतने में ये फुल भर जाएगा, फिर हम आपको दिखाते हैं हमारी बेला को इसके अंदर डाल के वो कैसा रिएक्शन देती है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं थोड़ी देर बाद ये भर जाए। फ्रेंड्स देख सकते हैं इस पाइप को कैसे डोल रही है, ये देखिए। तो फाइनली फ्रेंड्स जो हमारा ये था भाई ये भर चुका है अभी। तो अभी हम इसको भी इसका फर्स्ट रिएक्शन दिखाते हैं, अभी इसको हम इस पानी के अंदर डालेंगे। इसने दोस्तों पहले कभी भी स्विमिंग नहीं करी, तो हम चलिए पहले तो हम इसके अंदर खुद घुसते हैं फिर इसको डालते हैं। तो चलिए वो पानी तो दोस्तों थोड़ा ठंडा है पर कोई दिक्कत नहीं है, बैला की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी इसको देखिए डालते हैं इसके अंदर बैला। दोस्तों इसको डाल दिया अंदर, अभी देखते हैं स्विमिंग करती है नहीं करती। दोस्तों स्विमिंग करिए, देखिए आप इसमें देख सकते हैं आप। देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, इसको निला भी देते हैं हम थोड़ा। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसको, मेरे को लगता है थोड़ा ठंडा लगा पानी, इसलिए ये बाहर भाग रही है, पर कोई दिक्कत नहीं है। इसको बहुत दिनों से निलाए हुए हैं, इसको फिर से निला दिया आज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड्स आप बताइए मेरे को इसको आपको फर्स्ट रिएक्शन कैसा लगा पानी के अंदर कमेंट सेक्शन में, देख सकते हैं आप। बाहर आने की कोशिश करिए फ्रेंड्स ये। तो दोस्तों आप इसको इतना मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं जान सकते, अगर इसको ज़्यादा नहीं लाएंगे तो ठंड लग सकती है। तो आज का व्लॉग हमारा यहीं एंड हो रहा है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ बताइए हमारी बेला कैसी है, अभी बड़ी होगी। ये देख सकते हैं कैसे सूख चुकी है फ्रेंड्स, देख सकते हैं। अगर प्लीज़ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।